तो भाई साहब बॉर्डर क्रॉस कर चुका हूँ। आ गया भाई कैश। नेपाल का फेमस है, नेपाल का हलवा पूरी है। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का एक और नए सफ़र में। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा एवरेस्ट बेस कैंप की सीरीज़। फ़िलहाल मैं हूँ अभी गोंडा जंक्शन पे, उत्तर प्रदेश के गोंडा जंक्शन पे, और यहाँ से मैं लूँगा एक लोकल बहरोइज के लिए। ये देखो भाई, ये ट्रेन जाएगी। तो ये है मेरी जर्नी ब्रेकडाउन इस पूरे वीडियो की। सबसे पहले मैं एक ट्रेन लेता हूँ दिल्ली से उत्तर प्रदेश के गोंडा रेलवे स्टेशन के लिए, और गोंडा से मैं एक लोकल ट्रेन लेता हूँ बहराइच के लिए, और बहराइच से मैं बस से पहुँचता हूँ रूपाढिया नेपालगंज बॉर्डर पे, और नेपालगंज से मैं एक वैन लेता हूँ सुर्खेत के लिए, जो कि मेरी आज की फाइनल डेस्टिनेशन है। एक गेट खुला हुआ है इधर। देखो भाई, सुबह के 6:13 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट राइट टाइम पे चल रही थी। पहुंच गया हूँ बहराइच। ट्रेन यहाँ से लगभग 4-5 घंटे के बाद है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस भाई साहब के साथ जा रहा हूँ पास के झिंगा घाट, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, एंड वहाँ से मेरे को डायरेक्ट बस मिल जाएगी रूपाढिया नेपालगंज बॉर्डर के लिए। कौन सा बस है? वो जा रहा है वो। रूपाढिया। तो जल्दी जल्दी भाग के बैठता हूँ इस बस में, और लगभग हाफ एन आवर के बाद ये बस छोड़ देती है मेरे को बॉर्डर पे। ये वाली बस थी मेरी। सब लोग बॉर्डर के पार जा रहे हैं। ये अभी इंडिया या नेपाल है? ये इंडिया है। इंडिया, वो जो सामने दिख रहा है गेट, उसके पास नेपाल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई साहब बॉर्डर क्रॉस कर चुका हूँ, बॉर्डर पे ही भाई साहब मिले थे। ये नेपालगंज तक छोड़ देंगे। यहाँ पे कैमरा ऑफ कर ले क्या? नहीं, कोई टेंशन नहीं, आप खींच सकते हैं, आप खींचो ना, टेंशन मत लो, ठीक है? ये देखो भाई, अभी भी बॉर्डर पे ही हूँ। बॉर्डर पे सामान लेके आया तो साइकिल को पकड़ रहा है पुलिस, है ना? अच्छा, कोई टेंशन नहीं। देखो कैमरा दिखाई दिया तो वो छूट गया है, ठीक है ना? डर के मारे छोड़ दिया, ठीक है? सोचा तो पता है। नहीं नहीं पता, तू हमारे वजह से छूटा है, समझा? चला दाल, अच्छी किस्मत है तेरी। यहाँ से कितना दूर है? नेपाल से आपका यहाँ से 3 किलोमीटर। हलवा पूरी फेमस। ये दुकान है क्या? हाँ, यही यही। भाई साहब हलवा पूरी खाने के लिए रोका हूँ, बॉर्डर अभी पास में ही है, चलिए। ये नेपाल का फेमस है, नेपाल का हलवा पूरी है, कौली का आका। अच्छा अच्छा, ये और कहीं नहीं मिलता है, बस यही मिलता है नेपाल में। चलो भाई, हमारे मैं से टेस्ट करके आपको बता रहा हूँ। बहुत टेस्टी है, थोड़ा मीठा है लेकिन टेस्टी।
इन सब के बाद अब बारी आती है पैसे निकालने की। आ गया हूँ एटीएम के पास, ये देखो ज्योति विकास बैंक, देखते हैं इसमें से पैसे निकाल के। आ गया भाई कैश। बाय बाय चलते। अब मैं अभी जा रहा हूँ नेपालगंज के बस स्टैंड पे एंड वहाँ से मैं एक गाड़ी लूँगा सुर्खेत के लिए वीरेंद्र नगर। यहाँ से आपको पोखरा काठमांडू जुमला कई जगहों के लिए आपको गाड़ी मिल जाएंगी डायरेक्ट बसेस। अगर आप काठमांडू जा रहे हो तो आपको यहाँ से दूर पड़ेगा, अगर नेपालगंज होके जा रहे हो तो आप डायरेक्ट रक्सौल जाओ, वहाँ से आपको गाड़ी मिल जाएगी, आसान पड़ेगा क्योंकि दिल्ली से डायरेक्ट रक्सौल के लिए ट्रेन जाती है, या फिर आप सोनौली बॉर्डर से भी जा सकते हो। आ गया ना बस पार्क आगे, ये लो भाई आ गया बस पार्क, काफ़ी अच्छा बना रखा है यार देखो। बस 1 किलोमीटर का वॉक था जहाँ से वो भैया उतारे थे मुझे गाड़ी से, वीरेंद्र नगर सुखेत सुखेत इधर से जाएगा। कब जाएगा अभी? अभी 2-3 मिनट आएगा, 3 घंटा 3 घंटे में। छोड़ छोड़ दो या समय पहुंचा देंगे ठीक है। ओके अच्छा समय यात्रा धन्यवाद ठीक है। तो ये वैन मिली है ऐसे हो गया हो गया। सच बोलो तो यार ये मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था, ट्रिप तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था और ना ही मैं आप लोगों को किसी से इंट्रोड्यूस करवाया, बस रिकॉर्ड करते जा रहा था इन रास्तों का। किलोमीटर के लिए 4 घंटा लगा दिया इन्होंने, शाम के ऑलमोस्ट 5 बज गया यार। सबसे पहले तो मैं कुछ खाऊंगा, बड़ी तगड़ी भूख लगी हुई है। और इनको मैं पे किया था 500 NPR सुर्खेत के लिए, नेपालगंज से सुर्खेत।